Hello everyone and welcome to Aisha's Kitchen. आज हम बनाएंगे शक्करपारे। इस रेसिपी को फॉलो करके आप बहुत ही खस्ता शक्करपारे बिल्कुल आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आयशाज किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो आइए देखते हैं कैसे बनेंगे शक्करपारे। सबसे पहले हम एक चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे 1 कप दूध और इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 कप शक्कर। शक्कर को दूध में अच्छी तरह से पिघलने लें। शक्कर जब पिघल जाए तो इसमें डालें 3/4 कप घी। घी पिघलने तक चाशनी को पकने दें और फिर इसे गैस से उतार कर ठंडा होने दें। अब एक बड़े बर्तन में 750 ग्राम मैदा लीजिए। इसमें डालें 1/4 चम्मच नमक और बेकिंग पाउडर। इन चीज़ों को आटे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब थोड़ी थोड़ी चाशनी इस आटे में मिलाकर आटा गूंथ लें। अगर आपको लगे कि आटा बहुत गीला हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आटा गूंदने के बाद हमें इसे आधे घंटे तक ढक कर रखना है। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि आटा थोड़ा कड़क हो चुका है। अब किसी भी वजन चीज़ से इस आटे को थोड़ा कूट लीजिए। अब आटे का एक बड़ा पेड़ा लेके इसको बेलने की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे इसे बेल लें और ध्यान रहे कि हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना। एक कटर की मदद से किनारों को काट लीजिए।
और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। शक्करपारे अब तलने के लिए तैयार हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके इसे धीमी आंच पर तल लें। शक्करपारे तलते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें इमीडिएटली चम्मच ना डालें। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद इसमें चम्मच चलाएं। धीमी आंच पर इन्हें तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लें। आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन रंग आ चुका है। तो लीजिए, शक्करपारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये सिंपल रेसिपी पसंद आई होगी। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।